हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी वृषभ राशि या वृषभ लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि 22 सितंबर से लेके 26 सितंबर का समय ये आपके लिए कैसा रहेगा, क्योंकि समय बदल रहा है। कम समय में अधिक लाभ लेने के लिए जिस ग्रह को समझने की आवश्यकता है वो ग्रह है चंद्रमा। तो हम चंद्रमा के बारे में समझेंगे कि चंद्रमा कि जो गोचर काल में परिवर्तन होने जा रहा है ये क्या प्रभाव आपको देगा, कौन से योग बनने वाले हैं, कौन से उपाय करने हैं, कौन सी सावधानियां रखनी है, सभी कुछ हम जानेंगे। प्रिय दर्शकों, 22 सितंबर को चंद्रमा का परिवर्तन सुबह ही हो जाएगा वृषभ राशि पर, और वृषभ राशि पर 22 तारीख को, 23 तारीख को और 24 तारीख को सुबह 10 बजे तक रहेंगे, और इसके बाद फिर ये मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो मिथुन राशि में 24, 25 और 26 को शाम 6 बजे तक चंद्रमा यहाँ पर रहने वाले मिथुन पर। तो जब वृषभ राशि में चंद्रमा गोचर करेंगे, देवगुरु बृहस्पति भी पहले से गोचर कर रहे हैं, जिससे गज केसरी योग का निर्माण हो जाएगा। और फिर जब मिथुन राशि में गोचर करेंगे उस समय बड़ा ही दिव्य लक्ष्मी योग का निर्माण हो जाएगा। तो ये जो योग है ये आपको क्या फल देंगे ये भी समझेंगे। प्रिय दर्शकों, देखा जाए तो जब समय का बदलाव होता है तो अभी आपने देखा कि सूर्य का परिवर्तन हुआ, अब यहाँ पर चंद्रमा का भी परिवर्तन बड़ा लाभ देने वाला। तो जब समय बेहतर होता है तो कई बार ग्रह स्थितियां आप देखेंगे कि कई ग्रह आपके अनुकूल हो जाते हैं और प्रतिकूल जो ग्रह हैं वो कम होते हैं। इसीलिए इस समय आप देख रहे होंगे कि जो ग्रह हैं वो स्थितियों में जो परिवर्तन है वो बड़े बदलाव हैं, और आने वाले महीने में, अगले महीने में और भी बहुत कुछ परिवर्तन होने वाला है। तो वो तो अगले महीने हम समझेंगे, परंतु अभी यदि हम समझे कि आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि देखा जाए तो चंद्रमा आपके तृतीयेश होते हैं और आपके लग्न में गोचर करेंगे, आपके दाम्पत्य जीवन से संबंध बनाएंगे, आपके द्वितीय भाव में भी गोचर करेंगे और आपके अष्टम भाव वायु भाव से भी संबंध बनाने वाले। प्रिय दर्शकों, ये जो समय है आपके लिए 22, 23, 24 तारीख को सुबह 10 बजे तक का, ये समय आपके जीवन में बड़े महत्वपूर्ण निर्णय कराने वाला, वो निर्णय जो आपके जीवन में कुछ वैल्यू ऐड करें, आपके जीवन में कुछ अच्छा करें, ऐसे निर्णय आप ले पाएंगे। इस समय मानसिक तनाव यदि आपके जीवन में बना हुआ था तो उस मानसिक तनाव से आप मुक्त हो पाएंगे, आपके मान सम्मान में वृद्धि और अपने आप को आप समझ पाएंगे, स्वास्थ्य में सुधार होने की संभावनाएं बढ़ेंगी। साथ में दाम्पत्य जीवन, मैरिज लाइफ में यदि कोई समस्याएं चल रही हैं वो दूर होंगी, और यदि आप व्यापारी हैं, कोई भी व्यापार करते हैं, तो व्यापारियों के लिए ये जो समय है तो वो लाभदायक सिद्ध होगा, सफलता दिलाने वाला। परंतु यदि ये व्यापार चंद्रमा या देवगुरु बृहस्पति से संबंधित हो तो और भी बेहतर परिणाम मिलने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। साथ में देखा जाए तो जो लोग पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं उनको भी लाभ मिल सकता है, और जो लोग अपनी नई शुरुआत करना चाहते हैं या इंटरव्यू देने के लिए किसी भी नौकरी के लिए या जैसा भी इंटरव्यू हो उसके लिए भी काफ़ी अच्छा समय रहने वाला है। इस समय आप जैसे कोई मीटिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत अच्छा समय है, कोई महत्वपूर्ण अपने जीवन में निर्णय लेना चाहते हैं उसके लिए काफी अच्छा समय रहने वाला है। यहां पर एक चीज ध्यान दीजिएगा कि 22, 23 और 24 को 10 बजे तक, इसके बाद अब चंद्रमा गोचर अपना बदलेंगे पुनः और मिथुन राशि में आ जाएंगे, यानी कि आपके द्वितीय भाव में गोचर करना प्रारंभ करेंगे। चंद्रमा का यह परिवर्तन मिथुन राशि में जब होगा तो ये आपके जीवन में बड़े बदलाव लाएगा,
सबसे बड़ी बात यह है कि आपके वाणी में ओजस्वता आएगी, आप अपने वाणी के बल पे लोगों को कहीं ना कहीं अपनी ओर आकर्षित करेंगे, प्रभावित करेंगे। आप ये साबित करेंगे कि हाँ आपका जो नॉलेज है वो कहीं ना कहीं उसके अंदर नॉलेज भी है और एनर्जी भी है, और ऐसा नॉलेज है जिससे लोग प्रभावी हो सकते हैं, लोगों के ऊपर आपका ज्ञान प्रभावी हो सकता है। और लोग जब प्रभावित होंगे तो सीधी सी बात है कि जब लोग आपसे प्रभावित होते हैं तो आपके काम भी बनते हैं। तो इस समय आपको कई कार्यों में सफलताएं, और आप अपने जीवन में पुरानी संपत्ति या पैतृक संपत्ति को लेकर चिंतित थे, वो समस्याएं दूर होंगी। जमीन से जुड़ा हुआ कोई मामला था वो स्थिति में सुधार होगा। आप ये भी देखेंगे कि आपको कई तरह की सफलताएं, वो सफलताएं जो अभी तक संभव नहीं हो पा रही थी, तो अचानक सफलताएं प्राप्त होंगी, अचानक धन लाभ की स्थिति। जो लोग गुप्त धन प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय रहने वाला है। और आप अपने जीवन में यदि चिंतित थे किसी विषय को लेके, तो वो चिंता भी अब दूर होने वाली है। आप ये देखेंगे कि ये समय आपके जीवन में जो संघर्ष था उसको खत्म करने वाला है, यानी कि संघर्ष को खत्म करके और सुखों में वृद्धि कराने वाला होगा। ये जीवन आपके लिए एक ऐसा समय है कि बड़ी बड़ी समस्याओं से बाहर निकालने का समय है। आप अपने जीवन में, क्योंकि देखिए कुछ ऐसे काम होते हैं कुछ लोगों के कि जिनमें रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, और बिना रिस्क के लिए वो कामों को आप कर नहीं सकते। अब ये भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि कौन सा काम है, उसके अनुसार आपको और भी अन्य परिस्थितियों को देखना होगा। और मैं हमेशा कहा करता हूँ कि कोई निर्णय ले रहे हैं, जैसे अभी आपने सुना कि ऐसा ऐसा होने वाला है, तो आपने यदि निर्णय मात्र इतना सुन के ले लिया तो ये उचित नहीं है, क्योंकि ये गोचर का प्रभाव है। बिना जन्म कुंडली का गोचर अधूरा होता है, और बिना जन्म कुंडली के गोचर अधूरा है, और बिना गोचर के जन्म कुंडली, मतलब दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। इसीलिए जन्म कुंडली का भी विश्लेषण करना चाहिए, गोचर को भी देखना चाहिए, फिर निर्णय लेना चाहिए, तो हम समझ सकते हैं। अब जैसे हम यहाँ पर एक उदाहरण समझें कि आप कोई काम करना चाहते हैं जो कि डेली दूध का ही काम है, तो दूध के काम में चंद्रमा का बड़ा प्रभाव होता है, तो इसलिए चंद्रमा को भी समझना होगा। साथ में अन्य ग्रह की स्थितियां क्या हैं, अब वहां व्यापार की क्या स्थिति है, तो कई सारी स्थितियों को समझने के बाद हम निर्णय ले सकते हैं। तो देखा जाए तो ये जो गोचर काल है चंद्रमा का, ये काफी ज्यादा आपके लिए लाभदायक है। परंतु एक बात जरूर है कि आप अपने वाणी में इस बात का ध्यान रखिएगा, किसी कुछ जब बोल रहे हैं तो देखिए, वाणी हम कहते हैं ना कि क्या होता है, वाणी का बड़ा प्रभाव जीवन में जो भी कुछ है आज हमारे पास, हमारे शत्रु हैं या मित्र हैं, वो सब क्या है, वाणी का प्रभाव है। उसी शब्द को आप प्रेम से बोलेंगे तो सामने वाला समझेगा कि हाँ आप प्रेम से बोल रहे हैं, पर उसी शब्द को आप गुस्सा होकर बोलेंगे दूसरा होगा, अहंकार से बोलेंगे दूसरा होगा, आप दयी अवस्था में बोल रहे हैं दूसरा उसका प्रभाव। तो जैसी स्थिति में जो भाव के साथ आप जिस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं उसका वो प्रभाव दिखता है। इसलिए इस समय आपको अहंकार बस शब्द को नहीं बोलना है, यानी किसी को कुछ बोलना है तो अहंकार नहीं करना है, अहंकार को अपने आप संयमित रखिए तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। और कई तरह की यात्राओं का भी मौका मिल सकता है और उसका लाभ भी मिल सकता है। साथ में जो लोग विदेश में स्थायी रूप से निवास करना चाहते हैं उनके लिए भी एक मौका मिल सकता है। अब रही बात कि उपाय क्या करना चाहिए, तो उपाय के रूप में भोलेनाथ की आराधना करिए। चंद्रमा के अनुकूलता के लिए भोलेनाथ की आराधना करना सर्वश्रेष्ठ है। और यदि और भी कुछ करना चाहते हैं तो आप माँ लक्ष्मी की भी आराधना कर सकते हैं, जिससे और भी लाभ आपको प्राप्त हो सके। कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखिएगा, लिखने के साथ स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।